हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो रमज़ान शुरू होने से पहले आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर लें और स्टोर करके रख लें। ये आपको बहुत काम आने वाली है और आपके रमज़ान की रूटीन को बहुत ही ईजी बनाने वाली है। तो चलिए मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 250 ग्राम जो पका हुआ इमली होता है ना, उसे मैंने आधे घंटे पहले हल्के गर्म पानी में डुबो के छोड़ दिया था। और यहाँ देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है, तो मैं अपने हाथों से इसे अच्छे से मसल दूंगी ताकि इसका जितना भी पल्प होगा ना वो बीच से हट जाएगा। और यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और एक स्ट्रेनर मैं इस पर डालूंगी और सारी जो मैंने इमली के पल्प को निकाला था वो इस पर मैं डाल कर स्ट्रेन कर लूँगी अच्छे से, ताकि जो इमली के छिलके होते हैं या फिर उसके जो रेशे होते हैं वो अच्छे से निकल जाए और स्मूथ सा पेस्ट आपके पास मौजूद हो। यहाँ हमने पैन को हाई फ्लेम पे डाल दिया है और मैं इसमें ऐड करूँगी स्वीटनेस। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गुड़ इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे चीनी में भी बना सकते हैं, गुड़ में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पे 450 ग्राम गुड़ लिया है। हमेशा जस्ट डबल ऐड करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी खट्टी चटनी पसंद है तो मैंने थोड़ा सा इसमें कम कर लिया। साथ ही मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया है, साथ ही हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर सीड्स, इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया था, हाफ टी स्पून मैंने ऐड कर दिया है। इसके साथ ही इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, साथ ही भुना कुटा ज़ीरा हाफ टी स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसी तरह से इसे मिक्स करते हुए कुक करेंगे। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून फिनल सीड्स, इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया था। और इसके साथ ही वाइट सॉल्ट मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून ऐड किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इस स्टेप को। अगर आप इस स्टेप को स्किप करते हैं तो आप फिर ब्लैक सॉल्ट की क्वान्टिटी 1 टी स्पून कर दें। तो फिर 5 मिनट कुक करने के बाद मैं यहाँ पर आखिर में ऐड कर रही हूँ जिंजर पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल है तो आप पाउडर ऐड कर दें। और अब इसे फिर से 3 से 4 मिनट तक मैं इसे कुक कर लूँगी। फ्लेम को हाई टू लो करते हुए आप करें ताकि वो गिरे नहीं। और यहाँ देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, देख के ही पता चल रहा है ना, क्रिस्टल सा ट्रांसपेरेंट सी चटनी बन के रेडी हो गई है। तो अब इसे मैं ठंडा होने दूँगी, ठंडा बिल्कुल ही हो चुका है। आप अगर चाहते हैं तो इसे एक बार स्ट्रेन कर लें ताकि जो हम इसमें क्रस्ट मसाले ऐड होते हैं ना वो सारे निकल जाएंगे और बिल्कुल ही स्मूथ सा चटनी बनके रेडी होगा। अगर आपको पसंद है तो फिर ऐसे ही किसी एयर टाइट शीशे वाला जार में या फिर कंटेनर में इसे ट्रांसफ़र करके आप 1-2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। और आप रमज़ान से पहले से बना लें ताकि अपने रमज़ान को इजी बना सकें और टाइम बचा सकें। आप जब चाहें दही बड़ा चाट कुछ भी बनाएं रमज़ान के इफ्तार में और इमली की चटनी फटाफट से ऐड करके सर्व कर दें, है ना, बिल्कुल ही आसान। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े की बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।